दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अगोड़ा एप्लीकेशन से फ्लाइट टिकट कैसे बुकिंग कर सकते हो। जी दोस्तों, अगर आप भी अगोड़ा एप्लीकेशन से फ्लाइट टिकट बुकिंग करना चाहते हैं तो गाइस आज के इस वीडियो को स्टार्ट से अंत तक पूरा देखना। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर देना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन करके दोस्तों यहाँ से आपको अगोड़ा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहां से अगोड़ा एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। जैसे दोस्तों आप अगोड़ा एप्लीकेशन को ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से दोस्तों आप होटल, फ्लाइट टिकट, बस टिकट, ट्रेन टिकट सभी यहां से आप निकाल सकते हो। तो गाइज यहां से मैं फ्लाइट टिकट बुकिंग करने वाला हूं, इसलिए दोस्तों यहां से मैं फ्लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाता है। अब दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, दोस्तों यहां पर आपको इस साइड में यहां पर वन वे और इस साइड में दोस्तों यहां पर आपको राउंड ट्रिप वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर आप सिर्फ जाने की टिकट निकालने वाले हो तो दोस्तों यहां पर आपको वन वे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और दोस्तों अगर आप जाने और आने दोनों की टिकट निकालने वाले हो तो दोस्तों यहां पर आपको राउंड ट्रिप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइस यहां पर मैं वन वे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको नीचे की साइड में फ्लाइंग फ्रॉम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस पर आपको क्लिक करके आप कहाँ से जर्नी करने वाले उस एयरपोर्ट का नाम यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। तो गाइस यहाँ पर मैंने न्यू दिल्ली एयरपोर्ट सिलेक्ट कर दिया है। इसके बाद नीचे के साइड में फ्लाइंग टू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप कहां तक जर्नी करने वाले हो उस सिटी का नाम या एयरपोर्ट का नाम यहां पर आपको टाइप कर देना है। तो गाइस यहां पर मैं मुंबई टाइप कर देता हूं। इसके बाद नीचे की साइड में यहां पर आपको डेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप कौन सी डेट को जर्नी करने वाले हो उस डेट को यहां पर आपको सिलेक्ट कर देना है। तो गाइस यहां पर मैं 30 डेट सिलेक्ट कर देता हूं। देन यहां पर आपको नीचे की साइड में पैसेंजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां पर दोस्तों आपको आप कितनी सीट बुकिंग करने वाले हो यहाँ पर आपको आप कितने एडल्ट है वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है, चिल्ड्रन कितने हैं वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। और दोस्तों ऊपर के साइड में यहाँ पर आपको कौन सी क्लास में टिकट निकालने वाले हो वो यहाँ पर आप क्लास सिलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर मैं इकोनॉमी क्लास सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद दोस्तों कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको नीचे के साइड में सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे दोस्तों आपने जो भी डेट सिलेक्ट की है या जो भी रूट आपने सिलेक्ट किया उस रूट पर जितनी भी फ्लाइट वगैरह रहेगी वो सभी यहां पर आपको शो करेगी। तो गाइज यहां पर आप आपके टाइमिंग के हिसाब से कोई भी फ्लाइट सिलेक्ट कर सकते हो। तो गाइज यहां पर मैं ये विस्तारा की फ़्लाइट सिलेक्ट कर देता हूं। तो गाइज यहां पर मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको बुक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों यहां पर आपको ऊपर की साइड में फ्लाइट्स की डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाएगी और दोस्तों नीचे की साइड में यहां पर आपको पैसेंजर डिटेल्स डाल देनी है। तो गाइज यहाँ पर मैं अपनी जो डिटेल्स है वो डाल देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैंने अपनी जो डिटेल्स है वो डाल दी है। इसके बाद दोस्तों कंटिन्यू टू एड वन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों कंटिन्यू टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपने जो भी डिटेल्स वगैरह डाली है वो सभी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। और ऊपर के साइड में दोस्तों यहाँ पर आपको फ्लाइट्स की डिटेल्स भी देखने को मिल जाती है। और दोस्तों नीचे के साइड में यहाँ पर आपको पेमेंट ऑप्शन चूज़ कर लेना है। आप दोस्तों यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं और नीचे के साइड में यहाँ पर UPI ID से भी कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है। और दोस्तों यहाँ पर आपको कार्ड नेम और कार्ड नंबर डाल देना है और दोस्तों एक्सपायरी डेट और CVV नंबर वगैरह डाल देना है। इसके बाद पे नाउ वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों आपका जो टिकट है वो बुकिंग हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर मैं टिकट बुकिंग नहीं करने वाला इसलिए दोस्तों यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। आप जैसे ही पेमेंट को पे कर दोगे दोस्तों आपकी जो टिकट है वो बुकिंग हो जाएगी। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप अगोड़ा एप्लीकेशन के अंदर फ्लाइट टिकट बुकिंग कर सकते हो। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।